हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे किसान भाइयों, ई श्रम कार्ड अगर आपने यहाँ पे बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि जो पहली और दूसरी किस्त जो है वो किसानों के अकाउंट में आ चुकी है। जिन किसान भाइयों ने जो है वो ई श्रम कार्ड यहाँ पे बनवा रखा है तो उनको पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके अकाउंट में आ गया है। अभी यहाँ पे हम बात करने वाला है कि जो अब इंस्टॉलमेंट आई है तो किन किन किसान भाइयों को मिली है, कैसे चेक करेंगे, हमें जो पैसा है वो मिला है या नहीं मिला है। आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है और किन किन किसान भाइयों के अकाउंट में पैसा आया है। तो पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी कट मत करिएगा। तो मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। किसान भाइयों, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अगर आपने जो है वो ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको सीधे जो होम पेज है ई श्रम कार्ड का, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों का अगर नहीं हुआ है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो जिसके माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो उनको यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको जो किस्त का पैसा मिला है वो आपको कैसे चेक करना है और किन किन किसान भाइयों के अकाउंट में पैसा आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक आ जाना है और बैंक आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ पे चले जाइएगा या फिर आपको यहाँ पे डाल देना है यूपी। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो किसान भाई यूपी से हैं बस वो ही यहाँ पे चेक कर पाएंगे और जो स्टेट से हैं उनका चेक नहीं होगा। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं और स्टेट वाले तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट सरकार है, वो पैसा हमारे अकाउंट में डालती है तो हम कैसे चेक करें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा, कोई भी स्टेट से आप यूपी से हटके तो वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूपी वाले किसान भाई हैं तो उनको यहाँ पे डाल देना है UPSSB, ठीक है। यही वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यही आपको डाल देना है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं UPSS इन ई श्रम कार्ड, ठीक है। और तो ये इन वाला आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा, यहाँ पे लिख देख सकते हैं आप सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इसी को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है और जो भी आपको यहाँ पे पैसा मिला होगा यूपी वालों का वो तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, आ जाने के बाद में आपको यहाँ पे ये कट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कट कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। लॉगिन करना चाहें या जो भी करना चाहें आप वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये अभी ओपन हो रहा है और ओपन हो जाने के बाद में मैं अभी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे सर्च या कैंसिल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है उस नंबर को आपको डाल देना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। तो मैं यहाँ पे डालकर दिखा देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। डालने के बाद में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो डिटेल्स होगी वो निकल कर आ जाएगी। मैं अभी आपको थोड़ा नीचे की ओर करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो भी आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका नाम क्या है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और जो रुपए आए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने रुपए आपके अकाउंट में आए हैं। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में आपके अकाउंट में आ गए होंगे और नहीं आए और नहीं सर्च हो रहा है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकूँ। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।